कुडुखवल चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूलों में कुडुख और अन्य जनजातीय भाषाओं बोलियों में पढ़ाई होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। प्राथमिक चरण में पहली और दूसरी के बच्चों के पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम जाति विकास विभाग की मदद से स्थानीय बोलियों में किताबें बनाना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के 42 जनजातीय बोलियों में छत्तीसगढ़ी, हल्बी, कुड़ुख, गौड़ी और सरगुजा भी शामिल है, जिनके लिए पाठ्यक्रम बनाने का कार्य प्रगति पर है। कुड़ुख भाषा में भी पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद किया जा चुका है। इसे अंतिम रूप देने हेतु प्रूफ रीडिंग करने के लिए शिक्षक श्री राफेल मिंज और ईश्वर चंद कुजूर SCERT आए हुए हैं। मैंने उनके साथ मुलाकात किया और इस संबंध में बातचीत की है। तो लीजिए, प्रस्तुत है मुलाकात का यह वीडियो कार्यक्रम। राफेल कुमार मिंज जी और ईश्वर चंद्र कुजूर जी, आप लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण उरांव समाज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम करने के लिए यहाँ पर रायपुर आए हुए हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का यहाँ पर एक केंद्र है। इसमें राज्य स्तरीय स्कूल में जो पढ़ाई जाती है, कोर्स पढ़ाई जाती है, अनुसंधान के कार्य यहाँ पर होते हैं। राज्य के अंदर में क्षेत्रीय भाषाएं और जनजातीय भाषाएं बोली जाती है, उसमें बच्चों को प्राइमरी स्तर तक पढ़ाई जाएगी। तो इसी क्रम में आप लोग भी यहाँ पर आए हैं और कुड़ुख में किताब का अनुसंधान कर रहे हैं या उसमें आप लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें एक टीम बनी हुई है, उसमें उस टीम में आप लोग भी दोनों ही आप लोग शामिल हैं। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि यह कार्य आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं और यह कार्य की प्रगति कहाँ तक हुई है। कार्य चल रहा है, अभी भी बहुत जोरों शोरों से चल रहे हैं। तो यह हमारे मुख्यमंत्री का बहुत अच्छा पहल है, ताकि स्थानीय भाषा में और जो बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, इसको और अधिक अच्छे से संरक्षित रखने के लिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी अच्छा पहल किए हैं। इस वर्ष कहने का तात्पर्य है अगले शिक्षा सत्र 2020-21 में सभी प्राइमरी स्कूल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषा में, अपनी स्थानीय भाषा या मातृभाषा के उसमें दिया जाए। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय काम किए हैं। उसके इसी कड़ी में हम कुड़ुख भाषा में पुस्तक का जो हिंदी है उसी को हिंदी अनुवाद करने के लिए हमें यहाँ हिंदी से कुड़ुख में अनुवाद करने के लिए हमें चुने गए हैं। बहुत धन्यवाद। इसमें हम काम चल रहे हैं, अभी कुछ काम हो चुका है, अभी चल रहे हैं उसका टाइपिंग और पूरी रीति से इसे तो तैयार करवा के यहाँ से जाना है। मैं बताना चाहूँगा कि बिल्कुल कुजूर जी, आपसे भी जी, मैं जानना चाहूँगा, आप बताएं कि आप लोग किस तरीके से यहाँ काम क्या कर रहे हैं, आप लोगों का योगदान क्या है। अभी हम लोग प्राथमिक स्तर पर पहली से पाँचवीं तक के बच्चों के लिए हमारे छत्तीसगढ़ की विभिन्न जनजातियों जैसे कि कुड़ुख, बैगा, बैगानी, पांडो, इसी प्रकार से और जनजातियाँ हैं, उनके अपने भाषा में हिंदी को उनकी जो अपनी क्षेत्रीय भाषा है, बोली है, उसमें अनुवाद कर रहे हैं। इसमें हम लोग का प्रथम चरण था कि डाइट स्तर पर हम लोग कई सारी कक्षाओं का, जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी का अलग अलग ग्रुप बना करके उसमें जानकार लोगों के द्वारा उसको अनुवाद किया गया। उसमें हमारे मिंज सर, मैं खुद और बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी अपना योगदान दिए और दे भी रहे हैं। साथ ही साथ
वो प्रथम चरण का था और उसमें सब आपस में डिस्कस करके एक बुक तैयार करके वहाँ से डाइट से SCRT रायपुर भेजा गया। और चूँकि ये बहुत बड़े स्तर का कार्य है और कई सारी गलतियाँ हो सकती हैं, तो उसको सुधारने के लिए और बढ़िया पक्के तरीके से उसको लागू करने के लिए SCRT रायपुर के द्वारा डाइट को ये निर्देश दिया गया कि आप जो मटेरियल भेजे हो, जो पुस्तकें भेजे हैं, उसको पुनः एक बार रायपुर आकर के अपने टीचरों को भेज करके उसको करेक्शन करवाएं। और उसी सिलसिले में हम लोग मीन सर और मैं यहाँ दोनों आए हुए हैं और हम लोग वहाँ से जो भेजा गया था उसको पुनः एक बार देख करके जांच करके हम लोग अभी फाइनल अंतिम रूप दे रहे हैं, अंतिम रूप दे रहे हैं। अंतिम रूप देने के लिए पाठ्य सामग्री जो बनी है इससे पूर्व में बन चुकी है और उसमें प्रूफ रीडिंग के लिए आए हैं और उसमें आप लोग उसको फाइनलाइज करेंगे जी, पूरा करवा के ही जाना है। इस अनुसंधान केंद्र में कब आए हैं हम लोग? यहाँ 27 तारीख को निकले और 28 को पहुँच गए और 28 से हम लोग आज तक लगे हुए हैं उसी कार्य में और अंतिम रूप की ओर बढ़ रहे हैं। लगता है कि आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत आप लोग का रंग लाए और अवश्य लाएगा, कहे कि आप लोग उसमें बहुत ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। तो आप लोग ये बताइए कि यहाँ जो आप लोगों से उच्च स्तर के जो भी अधिकारी कर्मचारी होंगे उनसे भी कुछ मार्गदर्शन मिल रहा है कि आप लोग स्वयं कर रहे हैं? मिल रहा है, जरूर मिल रहा है, क्योंकि यह ये राज्य मतलब प्रशासन की योजना ही है कि उनसे बड़े हरेक जो प्रशासनिक अधिकारी हरेक अधिकारियों के द्वारा ही करवाया जा रहा है और यह अच्छा पहल है। पिछले कितने सालों से हो गया हमारे जो 4-5 पाठों का स्थानीय भाषा में चल रहा था? पिछले कई सालों से ये हो रहा था, परंतु ये अभी व्यापक स्तर पर इसको लाने का प्रयास किया गया है। पूरे पुस्तक का अनुवाद, पूरे पुस्तक के स्थानीय भाषा में अनुवाद करके जी, मतलब घर हर एक घर में बोली जाने भाषा के रूप में दिया जा रहा है, ताकि इसको पहले तो 5 पाठ तक अलग अलग क्षेत्र हिसाब जैसे सरगुजा तरफ अलग के लिए सरगुजिया बोली स्थानीय बोली में, जशपुर तरफ पुरुख में और इस जैसे रायगढ़ और इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी इसी प्रकार से दिया जाता था। लेकिन इस बार पूरे पुस्तक का ही स्थानीय भाषा में अनुवाद करने बहुत अच्छी बात है और बहुत मैं तो इस कार्य को करते हुए बहुत मुझे बहुत खुशी हो रही है। मीन सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो ये स्थानीय भाषा है जो शासन की योजना है, क्या हमारी जनजातीय लोगों के लिए फायदेमंद होगा? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? यह मेरा व्यक्तिगत विचार यही है कि यह बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा फायदे की चीज़ है, क्योंकि आज सभी भाषाएं को कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि क्या फ़ायदा अपने भाषा में अपनी भाषा में बात करें, पुरुष में बात करें, क्योंकि शिक्षा दीक्षा या फिर कुछ भी काम काज तो हिंदी हुआ या अंग्रेजी हुआ इसको पढ़ने के बाद ही मिलता है ऐसे। लेकिन सबसे अपना किसी भी समाज की संस्कृति का सबसे मूल चीज़ तो भाषा ही है, तो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय कार्य हैं, तो यह तो बहुत हर एक समाज के लिए, जैसे हमारे जो प्रभारी जी हैं रघु सर जी हैं, वे उनसे पिछली बार हम बात कर रहे थे कल परसों, तो बता रहे थे कि 17-18 और सभी इत्यादि स्थानीय भाषाओं को भाषाओं में अनुवाद चल रहे हैं और इसी का प्रूफ रीडिंग का चल रहा है और कुछ कुछ भाषाओं का स्थानीय अनुवाद नहीं हो पाया है, वे कर रहे हैं और स्थानीय स्तर पर उसके बाद प्रूफ रीडिंग के लिए सब उनको बुला के एक अंतिम रूप दिया जा सके, इससे बहुत ही फायदा होगा। मेरा व्यक्तिगत ऐसा लगता है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि क्या फायदा क्या लाभ इस प्रकार से कहते हैं, लेकिन इसको गहराई से देखें और आने वाली पीढ़ी आने वाली हम लोग तो अभी तक
हो जाएंगे, हम लोग कुछ साल तक रहेंगे, इसलिए कि आने वाले पीढ़ी के बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो ये कुजूर जी, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कदम उठाया है प्राइमरी स्तर पर उनकी भाषा में, जनजातीय भाषा में शिक्षा प्रदान करके, क्योंकि बच्चे जो गांव देहातों में रहते हैं वे लोग, उनकी मदर टंग जिसको बोलते हैं आयम कथा उराम, आयम कथा जो उनका है वो तो और ही रहता है। अचानक स्कूल में वो लोग का एडमिशन होता है और उनको हिंदी या अंग्रेजी आप पढ़ाएंगे तो लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो भाषा उनको जानकारी नहीं रहती है। तो वो अगर उनकी भाषा में अगर शिक्षा दी जाए तो उसको ज़्यादा बेटर तरीके से लोग समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, आप एक सर आप बहुत बढ़िया बोले, आपकी बहुत अच्छी सोच है कि देखिए यदि हम उसकी मदर टंग में यदि किसी भी बातों को समझाएं तो बच्चा जल्दी सीखता है। और सीखने के साथ साथ क्योंकि अभी बहुत देखने में आ रहा है कि बहुत सारे जो हमारे कुड़ो भाई बहन हैं अपनी बोली को भूलते जा रहे हैं, जिसका आगे आने वाले समय में वो अपनी पीढ़ी को कुछ नहीं दे पाएंगे। यदि हम अपनी जो बोली है या भाषा है उसको अभी जीवित रखते हैं तो आने वाली पीढ़ियों को हम बता सकते हैं, वे सीख सकते हैं। नहीं तो हमारा जो एक संस्कृति है, हमारी जो बोली है, हमारी जो पहचान है जिसके द्वारा हम पहचाने जाते हैं, वो विलुप्त होते जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। सत्य वचन है आपका। और ये छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कदम उठाया है इससे निश्चित रूप से अन्य आदिवासी बहुल राज्य जो है, जैसे झारखंड है, उड़ीसा है, इन सभी राज्यों में भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और वहाँ के लोग, विशेषकर जो जनजातीय लोग हैं, वे लोग देख करके वहाँ पर इसको, वहाँ पर अपनी बात रखेंगे राज्य सरकार के पास, और हो सकता है वहाँ भी ये चीज़ लागू हो जाए। झारखंड में आदेश पारित हुआ था, उसमें कर्मचारियों को भी एक जनजातीय भाषा सीखना बहुत ज़रूरी था, लेकिन बाद में फिर सरकारें चेंज हुई, उसके बाद वो लागू नहीं हो पाया। वहाँ जो भी सरकारी कर्मचारी राज्य में काम करेंगे उनको एक जनजातीय भाषा सीखना बहुत ज़रूरी, ये आदेश था। और प्राइमरी स्तर में शिक्षा जनजातीय भाषा में देने का भी एक सोच था, लेकिन वो धीरे धीरे जो है ना वो लागू नहीं हो पाया। देखने में ऐसा आता है कि बहुत से गांव देहात के जो हमारे भाई बंधु आते हैं कुछ काम लेकर के, वो अपनी बोली में या अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, और हम उसका समाधान करने में असमर्थ होते हैं। तो आपका कहना एकदम सही है कि जो सरकारें थी, सरकारों की जो सोच है, यदि हम उनकी जनजातीय भाषा को जानेंगे तो हम उसको बेहतर तरीक़ा से उनके सवालों का, उनके समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब लगता है कि जून से जो सत्र चालू होगा उसमें लगता है कि कुड़ुख में पढ़ाई चालू हो जाएगा, और जब यहाँ चालू हो जाएगा तो हमें लगता है कि झारखंड में और उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल आदि जो राज्य हैं जहाँ हमारे उड़ाव भाई लोग रहते हैं, वहाँ भी ये एक पहल होगी और वहाँ भी शुरुआत, अच्छी शुरुआत हो सकती है। होना चाहिए। हाँ मीन जी, आपका क्या कहना है इसमें? होना चाहिए, सभी राज्य सरकार को कदम उठाना चाहिए, क्योंकि किसी भी सरकार या सरकार हो, वह स्थानीय बोली या भाषा या सभी वहाँ की स्थानीय भाषा, किसी भी स्टेट के हो वहाँ की स्थानीय भाषा में यदि यह कार्य करे, उसके संस्कृति की रक्षा करे, संरक्षण करे, यह बहुत ही सराहनीय काम होगा। और ऐसे ही सभी राज्यों में, सभी राज्य के सरकार, जिस किसी भी पार्टी का सरकार हो, लेकिन सभी सरकार वहाँ की स्थानीय भाषा बोली को महत्व देते हुए संस्कृति की रक्षा के लिए यह कार्य करना चाहिए, और करने से ही हमारा अपना भाषा, अपना छत्तीसगढ़ कहें या हर एक स्टेट, हर एक राज्य कहें या भारत देश, सभी जगह इसका नाम अच्छा रोशन होगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई संस्थाएं इसमें काम कर रही है, जैसे यूनिसेफ है ना, इनका कहना है कि बच्चों की शिक्षा अपनी मातृभाषा में ही होनी चाहिए, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक रिकमेंडेशन है, और उनकी रिकमेंडेशन से ही इधर भारत देश में भी अगर ये
छत्तीसगढ़ से अगर शुरुआत हो रही है, है ना, तो ये बहुत अच्छा बात है। और आप लोग जो उसमें जो काम कर रहे हैं तो आप लोगों का नाम एक इतिहास बन जाएगा और ऐतिहासिक काम आप लोग कर रहे हैं। जी, आप निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया कह रहे हैं। शुरुआती तौर पर हमारे शिक्षकों को तो कुछ बहुत मुश्किलें आएंगी, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जाएंगे ये आसान लगने लगेगा। प्राइमरी स्तर तो कहने से लगता है कि ये पाँचवीं स्तर तक रहती है, तो ये अगला का ये पाठ्यक्रम कब तैयार होगा? यहाँ प्रूफ रीडिंग के लिए आने बुलाने से पहले, आदि जारी होने से पहले, हम लोग कक्षा तीसरी चौथी पाँचवीं का भी अनुवाद कार्य कर रहे थे और कुछ साथी अभी भी कर रहे हैं, उसको पूर्ण कर चुके हैं। उसके बाद लगभग पूरा हो चुका है, उसका भी प्रूफ रीडिंग होगा और प्राइमरी तक पूरा अपने स्थानीय भाषा में होगा, सभी स्थानीय भाषा में, छत्तीसगढ़ के हर एक कोना इसमें अपना गुरु भाषा में भी होगा। छत्तीसगढ़ में और भी बहुत सारे उराव या कुड़ुख शिक्षक शिक्षिकाएँ होंगे, है ना, लेकिन आप ही दोनों को चयन किया गया, मैंने इसके पीछे राज किया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस जगह पर पहुँचे और अपनी बोली को, अपनी भाषा को तैयार करने में हमारा सहयोग लिया जा रहा है। और यहाँ तक हम लोग सोचते हैं कि हमारे से भी और जानकार होंगे, लेकिन हमारा सौभाग्य रहा कि हम उस स्थान तक पहुँचने में, या यूँ कहें कि हमारी जो अधिकारी हैं वो, उन्होंने हमें पहचाना और यह मौका दिया। मुझे लगता है कि आप लोगों का जो कुड़ुख के प्रति रुचि है और जो ज्ञान है, जो आप लोग फील्ड में अपने स्कूल में जो आप लोग काम करते हैं वहाँ पे फील्ड में लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया होगा कि आप लोग कुड़ुख में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं और उसमें काफ़ी कुछ कर सकते हैं, इसी वजह से आप लोगों का चयन किया गया होगा। अंदर जो कार्यालय में किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, उसमें जैसे उसमें कुछ आप लोगों को मटेरियल दिया गया होगा और सीडीज होंगे या कंप्यूटर होंगे, तो आप किस तरीके से उसको काम को कर रहे हैं? क्या सीधे आप पेन कॉपी पेन में उसमें लिख रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं, इसको बताएंगे? मैं बताना चाहूँगा, हमको यहाँ आने पर सलून से मिले और हमको मटेरियल दिया गया और पहली और दूसरी की बुक्स दी गई, साथ में सीडी है। चूँकि हमको पहले हार्ड कॉपी में उसको करेक्शन करना है और कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ सीधे बैठ करके जो अभी कुछ देर पहले हम लोग कर रहे थे उसको करेक्शन कराना है, उसके बाद में जब वो पूर्ण हो जाएगा तो उसका प्रिंट आउट निकाला जाएगा, फिर उसको पुनः देखना है और फिर पक्का होने के बाद में ही उसको छापा जाए। और बहुत अच्छा जानकारी आप लोगों ने दिया है और खुद भी आप लोग मेहनत कर रहे हैं और कुड़ुख वर्ल्ड के लिए आप लोगों ने जो समय दिया है, इसके लिए मैं कुड़ुख वर्ल्ड की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आओ लगी।